वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूं इस वक्त बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, और मेरे पीछे की बिल्डिंग आप देख के समझ गए होंगे मैं खड़ा हूं इस वक्त वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करें हम वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो एक बार जोर से बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वाराणसी जंक्शन पे बना टूरिस्ट के लिए प्रीमियम लॉन्च, जिसमें काफ़ी सारी ए क्लास फैसिलिटीज आपको मिलती है, प्रीमियम क्लास फैसिलिटीज, प्रीमियम क्लास सर्विसेज हैं। और क्या चार्जेस होने वाले, कितने घंटे में आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, कहाँ ये पड़ेगा आपको, यहाँ से आप ट्रेन वगैरह लेने में प्लेटफॉर्म चुनने में कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए व्लॉग को करते हैं शुरू। तो ये है सामने वाराणसी जंक्शन का रेलवे स्टेशन, जिसको वाराणसी कैंट के नाम से भी जाना जाता है। और रेलवे स्टेशन के बाहर ही ये सामने आप रोड देख रहे हैं, ये कैंट रेलवे स्टेशन को आने वाली कैंट रोड है। यहाँ से आप विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए, गुदौलिया जाने के लिए, घाट जाने के लिए रिक्शा ले सकते हैं, 20 रुपये सवारी आपको पड़ता है। और सामने बोर्ड देख रहे हैं आप, लगा है काशी तमिल संगम का। तो अगर आप यहाँ वाराणसी जंक्शन पे आ रहे हैं स्टे करने के लिए, कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके आप या तो रिटायरिंग रूम डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं, और या तो फिर आप प्रीमियम लॉन्च और एग्जीक्यूटिव लॉन्च दोनों ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव लॉन्च जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ अंदर की तरफ प्लेटफॉर्म पे। और प्लेटफॉर्म पे एंट्री करने के साथ ही प्रीमियम लॉन्च है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये है सामने स्टेशन की एंट्रेंस, और जैसे ही आप एंट्री करके आएंगे सामने बोर्ड लगा है प्रीमियम टूरिस्ट लॉन्च का। और ये सामने फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे आपको रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री भी मिल जाएगा। और स्टेशन में बैठने के लिए अच्छी खासी सुविधा है, बेंचेस वगैरह काफ़ी साफ सुथरे स्टेशन है यहाँ के। और ये रहा प्रीमियम टूरिस्ट लॉन्च, इसके आपको चार्जेस वगैरह दिखा देता हूँ, एंट्री चार्जेस क्या हैं। बट मैंने 2 घंटे का लिया था, जो मेरे को 118 रुपये का पड़ा है। जो आप यहाँ पे बुकिंग लेते हैं तो इस टाइप की आपको ये रिसिप्ट मिलती है, देखो 118 का है। 2 घंटे के लिए मैंने लिया था, ये 6:26 पे मैंने एंट्री करी थी, तो ये मेरा 8:26 तक के लिए वैलिड है। और इसमें आपको टॉयलेट चार्जेस, नहाने धोने के लिए कोई भी अलग से नहीं देना पड़ता है। क्लॉक रूम भी इसी के अंदर आपको मिल जाता है, 24 घंटे में 50 रुपये पर 18% GST भी लगेगा। और ये सारी खाने की चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी। बाकी अगर आप यहाँ पर स्टेशन पर अगर आप एग्जीक्यूटिव लॉन्च रहे तो उसमें 1 आवर का चार्ज आपका 100 रुपीज़ है, और नहाने धोने के लिए अलग से वॉशरूम यूज़ करने का 180 रुपये अलग लगता है। बट उसके मामले में प्रीमियम टूरिस्ट लॉन्च काफ़ी बेहतर है, और इसको मेंटेन किया जाता है वसुंधरा संरक्षण सामाजिक संस्थान के द्वारा। तो चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं अंदर से। तो जैसे आप अंदर का कहेंगे, सामने ट्रैवल डेस्क है, यहाँ पे आपको एंट्री करानी होती है। और इसकी बुकिंग बता दूँ, कोई भी ऑनलाइन नहीं होती है, आप यहीं पे आके डायरेक्ट विजिट करके आप करा सकते हैं। और ये देख लीजिए अंदर से लॉन्च, और यहाँ अंदर जो वाईफाई है प्रीमियम टूरिस्ट लॉन्च के नाम से मिलता है, इसका वाईफाई पासवर्ड भी आपको ये अंदर मिल जाएगा। तो ये आप लॉन्च देख लीजिए एक बार अंदर से, तो ये एक बार आप लॉन्च देखिए अंदर से, काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी लग्जरी सा है। इसमें आपको बैठने के लिए और लेटने के लिए आपको सोफ़े वगैरह भी मिल जाते हैं, फ़ैन वगैरह भी हैं, एसी वगैरह, सेंट्रलाइज्ड एसी भी आपको मिल जाता है। साथ में आपको टाइम पास करने के लिए आपको टीवी वगैरह मिल जाता है, कोई भी म्यूज़िक वगैरह, गाने वाने सुनने, न्यूज़ देखनी वो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर है अंदर यहाँ का लग्जरी सा टॉयलेट, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेडीज़ का है, और सामने जेंट्स के लिए भी, और कोई हैंडीकैप पर्सन है तो उनके लिए भी अलग से ये हैंडीकैप वालों के लिए टॉयलेट दिया गया है। एक बार अंदर यहाँ से दिखा देता हूँ। तो टॉयलेट में आप देखिए सीट्स वगैरह जो हैं आपको वेस्टर्न वाली मिल जाती है, और टॉयलेट्स भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। साथ ही इसमें आपको 2 टॉयलेट मिल जाते हैं आपको वेस्टर्न वाले, और साथ में आपको नहाने के लिए भी अलग से पूरा ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको गीज़र वगैरह भी मिल जाता है, कपड़े टांगने के लिए हैंगर वगैरह भी है, शावर भी है, और हाथ धोने हैंड ड्रायर वगैरह भी है, हैंड वॉश वगैरह, टॉवल टांगने के लिए भी है। काफ़ी साफ़ सुथरा है टॉयलेट भी यहाँ का लॉन्च का, अभी तो साफ़ सफाई चल रही है यहाँ पर। और यहीं लॉन्च में आपको टेबल वगैरह भी मिल जाती है, यहाँ पर बैठ के आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं, अपना सामान वगैरह भी छोटा मोटा, पानी की बॉटल वगैरह भी यहाँ रख सकते हैं। साथ में आपको सामने सोफ़े मिल जाते हैं, ये तो पूरे कंप्लीट वाले हैं, एक सामने इस तरह रिक्लाइनिंग टाइप सोफ़ा भी आपको मिल जाता है। तो ये इंटीरियर देखिए आप लॉन्च का, फर्स्ट क्लास लग्जरी सा इंटीरियर है यहाँ का। तो इंटीरियर कैसा लग रहा है आपको एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और स्टे करने के लिए तो 2 घंटे के लिए 118 रुपये में 2 घंटे का ऑप्शन बहुत सही है आपके लिए। सारी सुविधा आपको मिल जाती है, सामान भी यहाँ पे आपका सेफ रहता है। तो ये है यहाँ पे रिक्लाइनिंग वाली सोफे हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से पूरा रिक्लाइनिंग बन जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है ये। सबसे पहले क्या करना है, जो आपके दोनों हाथ हैं उनको इस तरीके से, यहाँ पर ये कॉफ़ी मग हैं, कॉफ़ी मग के जो ये बने हुए हैं इन पे लगा लेना है, एक इधर और एक यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखना है। और इसके बाद जो आपका ये पीछे हेड रेस्ट है, पीछे ये सिर वाला हिस्सा, इसको ऐसे दबाना है, मतलब ऐसे पूरा इसको ऐसे दबाना है और ये आपका रिक्लाइनिंग बन जाएगा पूरा। पूरा रिक्लाइनिंग बन गया, हवा में पैर पूरे, पूरा लेटने का पूरा बिस्तर सा बन गया। अब 118 रुपए में 2 घंटे में रिक्लाइनिंग मिल रहा है, पूरा बेड बन जा रहा है, इससे बढ़िया कच्चे इतना अच्छा रेस्ट मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। तो 118 रुपये में ये फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। पिछली बार मडगांव गया था, मडगांव के जो स्कूटी लॉन्च था उसमें जो रिक्लाइनिंग था उसका पैसा बहुत ज़्यादा था, बट उसके केस में वहाँ मेरे लगभग 2 घंटे के 100 रुपये के आसपास लगे थे, बट उसके केस में, उसके कंपैरिजन में ये सबसे अच्छा है यहाँ पर वाराणसी जंक्शन में। तो लॉन्च आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फैसिलिटीज जो मैंने आपको दिखाई कैसी लगी आपको, इंटीरियर वगैरह कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और 2 घंटे के लिए आपको 118 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, ये भी आपको अच्छा लग रहा है ये बताइएगा, बिल्कुल मतलब रेट वगैरह आपके अकॉर्डिंग जेन्युइन है कि नहीं जरूर बताइएगा। अलग से कोई भी GST वगैरह मिला के ही 118 है। तो अभी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, कैसी लगी वीडियो जरूर देख के बताइएगा, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को पसंद आई है तो। बाकी अभी इसके बाद जा रहे हैं, लगभग 8:30 बजे मैं जाऊँगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वंदे भारत के इनॉग्रल के पास वगैरह कलेक्ट करने अपने को, और बाकी वहाँ पे तैयारी तो हो गई है पूरी, अभी चल के मैं आपको दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म पर जब जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए सफ़र में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।